जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की बुद तहसील के केवल इलाके में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में वाहन के खाई में गिरने से 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में चालक भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रैवलर राजौरी से रियासी जिले के चसाना क्षेत्र की ओर जा रहा था। टेम्पो जब बुधल के केवल क्षेत्र में पहुंचा तो एक तीव्र मोड़ पर चालक अपना संतुलन खो बैठा। इसके बाद टेम्पो करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सहित 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित करने के साथ बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिया। पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को कोटरंका के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। बीएमए कोटरंका डॉक्टर इकबाल मलिक के अनुसार अस्पताल में 3 लोगों को मृत लाया गया था, जबकि एक अन्य की मौत उपचार के दौरान हुई थी। वहीं 6 घायलों को कोटरंका के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इस दौरान एक अन्य घायल ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 2 घायलों की जिला अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई।